नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं मृत्युंजय पाल आप लोगों के सामने प्रेशर बेल्ट रख रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है और टीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बहुत होती है। स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन है, हमने डायग्राम लगा रखा है, आप देख रहे हैं। ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आप जो देख रहे हैं, ये क्योंकि अगर हम इसको ये कहें, ये 0 डिग्री इक्वेटर जो आप देख रहे हैं, इक्वेटर 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ठीक 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। यानी कि सबसे पहली चीज़ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23.5 पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी झुकी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, इक्वेटर की दोनों तरफ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों तरफ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेप आता है कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ठीक। तो जब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की बात करेंगे, तो सबसे पहला आता है कि यहाँ पर क्या है, इस जोन में आप सभी को पता है कि इक्वेटर पर सूरज की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती हैं। अच्छा, जब 12 महीने सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर होगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो जब टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, और जब प्रेशर लो हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि इक्वेटर पर यानी कि यहाँ इस एरिया में, ये जो आप 0 डिग्री पे जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, और लो प्रेशर है तो इसका मतलब क्या हो गया। अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की अगर हम बात करें, तो इसको क्या कहते हैं, डोलड्रम। डोलड्रम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आपके टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी में कई बार ये क्वेश्चन आया कि डोलड्रम कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में डोलड्रम है। तो जब हम डोलड्रम की बात करते हैं तो यानी डोलड्रम, या इसको हम शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डोलड्रम है, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर क्या, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर एकदम डिसिप्लिन है, यानी कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अच्छा, इसी में जब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं तो यानी 10 डिग्री नॉर्थ आप देख रहे हैं और 10 डिग्री साउथ देख रहे हैं, यानी 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर क्या है कि जब हम कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जैव विविधता, तो जब जैव विविधता की बात की जाती है तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ही पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो अब ये जैव विविधता पे अब क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो लैटिट्यूड से क्वेश्चन बन गया कि कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ल्ड में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है कहाँ, तो एक क्वेश्चन ये और तैयार हो गया यहीं पर कि अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जैव विविधता की जब बात की जाए तो आप लोग क्या करते हैं, फिर आपको मैप पर देखना पड़ेगा। तो यानी कहाँ पर, ब्राजील, और ब्राजील में अमेजन, यानी वर्ल्ड में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिल रही है, ब्राजील में अमेजन में मिल रही है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ फिर यहीं पर एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है कि जैसे आपको ये पता चल गया कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में पूरे वर्ल्ड में इसी में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है, तो इंडिया में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ रहा है या तो फिर स्टेटमेंट के साथ आ रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में अगर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो इंडिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो आप सभी को पता है कि जब लैटिट्यूड्स हमें क्लियर है कि भाई इंडिया का जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। तो यानी कि जाहिर सी बात है, यानी यहां पर कौन है, ये केरला है, यानी इंडिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जा रही है, केरल में। तो अब ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा कि अगर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अब आपको क्लियर रहेगा एक चीज़। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मैप और भी लगा रखा है कि आपको ये क्लियर है
क्योंकि यहाँ लिखा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पर पूरे वर्ष लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर इसलिए रहेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर होना स्वाभाविक है। अब इसके बाद देखते हैं, जस्ट इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप ये लिखा हुआ है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंध, और इसके ऊपर लिखा है सब हाई प्रेशर बेल्ट। तो यानी अब हम जरा से इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री नॉर्थ, इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है हाई प्रेशर। ठीक, अब ये हाई प्रेशर ये है उष्णकटिबंध, अच्छा ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंध है, जाहिर सी बात है जब उष्णकटिबंध होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेन हो रही है वो 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही होगी, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यहाँ पर घने वृक्ष पाए जाएंगे, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर आपको मिलेगी। क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिकल जोन, तो ट्रॉपिकल का मतलब हो गया कि आपको दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच की जो बेल्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आती है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉपिकल जोन कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में है, तो उष्णकटिबंध में जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, कोपेन महोदय ने, कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन के बेस्ड पर ही था कि किसी भी जगह पर जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ की रेनफॉल होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वहाँ की क्लाइमेट और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है क्योंकि उष्णकटिबंध है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर है, अधिक टेम्परेचर है, यहाँ पर रेन अधिक हो रही है, 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है, और इस वर्षा के कारण यहाँ पर लंबे और घने वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे आपने अमेजन के जंगलों में अगर देखा होगा तो वहाँ पर वृक्षों की लंबाई काफ़ी ऊपर होती है, और ऊपर से जा करके वो ट्रीज ऊपर कवर अप कर लेते हैं जिससे सनरेज नीचे नहीं आ पाती। अच्छा, इसी के बाद जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ हाई प्रेशर लिखा हुआ है, उच्च दाब, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यहाँ हाई प्रेशर है, क्योंकि इसी के बाद फिर यहाँ 60 से 65 नॉर्थ और 60 से 65 साउथ यहाँ लो प्रेशर है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या चक्कर है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ लिखा है सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब हवा, जाहिर सी बात है जब हवा नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर क्या है इक्वेटर पे हमें एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम पृथ्वी धधक रही है, और जब पृथ्वी धधक रही तो इसका मतलब है इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर है। तो जब हवा आएगी यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, आने के बाद हवा जो है गर्म हो जाएगी। अच्छा, जब हवा गर्म हो जाएगी तो यानी हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो इवोपरेट हो जाएगी, तो जब विंड में जो इवोपरेटी जब इवोपरेशन होगा यानी कि ह्यूमिडिटी जब इवोपरेट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हवा हल्की हो जाएगी। जब हवा हल्की हो जाएगी तो क्या करेगी, हवा ऊपर की तरफ उठेगी। अच्छा, हवा जब ऊपर ऊपर की तरफ उठती है तो हमारे यहाँ कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि जब जैसे ही हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है तो हर कहा जाता है कि 165 मीटर हर 165 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक, तो जो टेम्परेचर लैप्स रेट है यानी कि तापमान में जो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है, ये हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी कितने मीटर की ऊंचाई पर, या इतने मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, लेकिन होता क्या है, एक निश्चित ऊंचाई के बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ जो है वो कांस्टेंट कर जाती है और फिर विंड मूव कर जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि जो हवा ऐसे चल रही है,
ये जो हवा ऊपर ऐसे चल रही है, जब ये हवा ऊपर जाएगी तो फिर ये ऐसे घूम जाएगी, मतलब ये देखिए ये ट्रेड है, ये ट्रेड विंड है ठीक। लेकिन ये जो हवा जा रही है ये जाने के बाद फिर ऐसे घूम जाएगी, यानी अगर हम इसको बात करें ऐसे, क्योंकि ये यहीं पर ये कॉन्सेप्ट जो इंडियन मानसून का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक झलक खाली थोड़ी सी आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे भारत में मानसून आया अभी 29 तारीख को जो है केरला के तट पे आ गया, और मानसून कैसे आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम सिंपल सी चीज़ है ये, बस आपको ऐसे समझना है, ये आप जो देख रहे हैं ये जो हवा ट्रेड विंड ये जा रही है, इसके बाद ये ऊपर जाएगी तो फिर ऐसे टर्न करेगी ठीक, ये ऐसे ठीक, तो ये ऐसे घूम जा रही है ठीक, ये चीज़। तो अब ये जो हवा ऐसे जाएगी तो यहाँ टकराएगी ना केरल, क्योंकि हवा क्या है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। क्यों? अब यहाँ पर क्या है सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर है, और इधर क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा क्या हो रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। इसी की वजह से जब अब ये हवा जो ऐसे घूम रही है, इसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस लॉ और फेरल लॉ, फेरल लॉ और कोरियोलिस लॉ, ये दो नियम कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से हवा घूम जाती है, तो कोरियोलिस लॉ और फेरल लॉ की वजह से हवा घूम गई। जो अब आप जो कह रहे हैं ना कि जो है केरल में मानसून आया और अब जो है धीरे धीरे महाराष्ट्र में 11 तारीख से आ जाएगा, तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसका नतीजा ये है कि जैसे ये कोरियोलिस लॉ और फेरल लॉ की वजह से ही ऐसा होता है ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं कि जो हवा का मूवमेंट हुआ, तो जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ हाई प्रेशर बेल्ट बन गई। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड्स, कितने डिग्री लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं इसको, अश्वक्षांश कहते क्यों है। प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ घोड़ों का व्यापार किया जाता था, तो घोड़ों के व्यापार के समय हम लोग क्या करते थे, घोड़े शिप से लेकर के जाते थे। अच्छा, जब घोड़े शिप से लेकर हम लोग चलते थे, तो जब यहाँ पर पहुँचते थे इस जोन में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इस बेल्ट में क्या होता था, यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से शिप जो है अप एंड डाउन होने लगता था। अच्छा, शिप के अप एंड डाउन होने पर क्या होता था कि आदमी उसको संभाले कैसे, तो दो घोड़े चार घोड़े उसने समुद्र में फेंक दिए शिप को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, शिप को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया, तो ये जो प्रक्रिया चली उस प्रक्रिया में ये देखा गया कि किसी भी तरीके से हम बच जाएं। अच्छा, बच गए तो ये कहा गया, अच्छा इस अक्षांश को क्या कहेंगे, अश्वक्षांश। तो पेपर में क्वेश्चन बन गया हॉर्स लैटिट्यूड्स कितने डिग्री लैटिट्यूड्स को कहते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर की जब बात करते हैं तो 35 डिग्री लैटिट्यूड्स, और वैसे 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से, अश्वक्षांश के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ठीक। चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम ये इस पर बात करते हैं तो इसके लिए हमें ये चीज जानना जरूरी होता है कि जो विंड का मूवमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं अभी हमने आपसे बताया कि हवा यहाँ, ये इक्वेटर है आपका, हवा यहाँ पहुँचती है, उसके बाद ये मूव करती है, तो जब ऊपर जाने के बाद घूम जाती है, जैसे हवा घूमी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हवा अपने राइट हैंड साइड, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर की हवा अपने लेफ्ट हैंड साइड घूमती है। अच्छा, हवा का जब मूवमेंट हुआ तो किसकी वजह से हुआ, कोरियोलिस लॉ और फेरल लॉ की वजह से हुआ। जब ऐसा मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के बाद क्या होगा कि आप जैसे देख रहे हैं अभी हमने आपसे बताया कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये जो बेल्ट थी ये हाई प्रेशर बेल्ट थी ठीक। अब क्या हुआ, अब जब ये हवा जो ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ जो जा रही है, ऊपर से आने वाली जो पोलर विंड है, ये जो पोलर विंड है यहां पर क्या है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है। अब यहां पर हम जरा चर्चा करेंगे, क्योंकि
यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? अभी हम लो प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, दो एयर मासेज, ये कोल्ड है और ये वार्म है। दो एयर मासेस यानी दो वायु राशियां जब एक जगह पर मिलती हैं, दो वायु राशियों का जब एक जगह पर मिश्रण होता है तब क्या होता है, वाताग्र बनता है। क्या बनता है? वाताग्र बनता है, फ्रंटियर, वाताग्र। ध्यान से बात को समझिएगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो हम लोग क्या कहा जा रहा है, मौसम में वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस हो गया, ये ऐसी कंडीशन हो गई, ये जो भी कुछ चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, वेस्टर्नलीज डिस्टर्बेंस। वेस्टर्नलीज डिस्टर्बेंस कहिए, ये आप जो भी वेदर में कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, जैसे हम लोग क्या आंधी पानी तूफान बारिश झंझावत जो कुछ हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है, वो सब इसी जोन में तो हो रहा है, यहीं पर तो सब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि दो एयर मासेस, ऊपर से आने वाली कोल्ड एयर मास यानी ठंडी वायु राशि और नीचे से उठने वाली गर्म वायु राशि, जब दोनों एक जगह पर मिलते हैं तो क्या क्रिएट होता है, वाताग्र क्रिएट होता है, यानी कि फ्रंटियर बनता है। और इससे क्या होता है, इससे साइक्लोन या एंटी साइक्लोन की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरी चीज एक और बात समझिए, अब यहाँ पर लो प्रेशर क्यों हो गया? लो प्रेशर इसलिए हो गया कि हो सक, जैसे ये हवा जो आ रही है और ये जो हवा जा रही है, अगर ये इससे एक साथ ना मिले, अगर इन दोनों का मिलन ना हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब दो विपरीत हवाओं का आपस में मिलन नहीं हो गया, ये मिलन हो नहीं पाया, अगर मिलन नहीं हुआ तो इसी वही यही वजह है कि यहाँ पर लो प्रेशर का केंद्र बिंदु बन जाता है, यानी यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र क्रिएट हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात, हवा या तो हॉरिजेंटल चलती है या तो वर्टिकल चलती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि हवा या तो ऐसे चल रही है या तो हवा ऐसे चल रही है, लेकिन पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23.5 पर झुकी हुई है। अच्छा, अर्थ के अपने एक्सेस पे 23.5 पर झुके होने के कारण ही हवा जब हमें ऐसे चलती तो महसूस नहीं होती, जब ऐसे चलती तो महसूस होती है। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपसे कहा जाता है कि वेदर में होने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, मौसम में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, वो कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में हो रही हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 35 से 60 डिग्री के बीच में मौसम की सारी घटनाएं घटित होती हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेदर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी कंडीशंस कहाँ से क्रिएट हो रही हैं, 35 से 60 के बीच में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आगे बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि ये जो विंड्स आप चल रही हैं, ये जो हवाएं चल रही हैं, इनका रोल क्या है। जैसे इस विंड्स को हम लोग, जो ये जो हवाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड, ये है ट्रेड यानी व्यापारी पवन, यानी कि प्राचीन समय में जितना भी हम लोग ट्रेड कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे वो इसी जगह पर कर रहे थे। ठीक, अच्छा, हवा का जो डायरेक्शन है, हवा जो है हमेशा ईस्ट टू वेस्ट, जो हवा की प्रॉपर डायरेक्शन होती है, हवा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इन तमामों कारणों की वजह से विंड में डाइवर्जन होता रहता है। लेकिन हवा, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, सूर्य अपने एक्सिस पर अपनी जगह पर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है अपनी जगह पर। ठीक, बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा, सूर्य अपने एक्सिस पे घूमता है, वो किसी का चक्कर नहीं लगाता, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब होता क्या है कि जैसे ये ट्रेड विंड है, तो यानी यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही है, अब होगा क्या, क्योंकि जब हम लोग एटमॉस्फेयर में इसी बात को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में वेदर की सारी कंडीशंस की बात की जाती है, और इसी बात को जब हम लोग, इसी कंडीशन को जब हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये 35 से 60 के बीच में मौसम की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ विशेष रूप से नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती, आइए इस पर थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं। इंडिया के बीच से क्या निकल रही है, ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अच्छा, आपको भी ये बात क्लियर होगी कि ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, यानी 0 डिग्री से 23.5 के बीच में अगर आप बात करें,
तो यहाँ पर आपको वेदर की कोई कंडीशन विशेष रूप से दिखाई नहीं देती है, ये चीज़ आपने देखा होगा ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे वेजिटेशंस हैं, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, और उसके अलावा यहाँ पे लंबे ट्रीज पाए जा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट रहती हैं। अच्छा, तो अब लेकिन यहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, तो जब हम लोग कहते हैं कि जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है तो हम लोग जस्ट बोलते हैं कि ये जो ट्रेड विंड है इसी की ऊपरी सीमा, यानी कि ट्रेड विंड जैसे चल रही है तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि 20 से 25 डिग्री नॉर्थ और 20 से 25 डिग्री साउथ के बीच में जो है जेट जेट स्ट्रीम चलती है। अच्छा, अब इसी को अगर हम ट्रोपोस्फेयर पर चर्चा करते हैं, ट्रोपोस्फेयर पर अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल जिसमें वेदर की सारी कंडीशन क्रिएट होती है, और इसी के ऊपर आता है क्षोभ सीमा। क्या आता है? क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। तो यानी जेट स्ट्रीम कहाँ आपकी चल रही है, वो चल रही है ट्रोपोपॉज में ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी अगर हम लोग जो है प्रेशर बेल्ट की स्टडी करते हैं तो प्रेशर बेल्ट से जब भी क्वेश्चन क्रिएट होता है तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे वर्ष भर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वर्ष भर सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर जो है 12 महीने सूरज की किरणें सीधी पड़ रही, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, और जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में जो है साइलेंट है, यानी शांत पेटी, यानी जिसको हम लोग डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं, ये आपकी बेल्ट है जिसको हम लोग डोल्ड्रम या शांत पेटी के नाम से जान रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया। फिर इसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ है, जब 10 डिग्री नॉर्थ की बात की जाती है तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वर्ल्ड में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राज़ील के अमेजन में मिलती है, और इंडिया में सबसे अधिक केरला में साइलेंट वैली में मिलती है। फिर उसके ऊपर आता है आपका ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल जोन है, और ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध का मतलब यहाँ पर तापमान अधिक। फिर इसके ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट है, जब हम लोग हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं तो यानी क्यों हाई प्रेशर है, क्योंकि जब ये हवा ऊपर जाकर ऐसे घूमती है तो घूमने के बाद जब ऐसे मूव करती तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, हवा का ऊपर जो जब ये हवा ऊपर उठेगी तो जब ऐसे मूव करेगी तो यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट दोनों हेमिस्फेयर में 30 से 35 के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट उच्च दाब का केंद्र स्थित रहता है ठीक। इसी के बाद फिर आता है आपका जो है टेम्परेट जोन, यानी कि जो 35 से 60 के बीच की जो बेल्ट है इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, और शीतोष्ण कटिबंध में जो भी वेदरिंग कंडीशंस हो रही है दोनों गोलार्धों में, टेम्परेट जोन ठीक। तो यानी दोनों गोलार्धों में जो हमने अभी आपसे बताया कि जैसे जो भी हवा आ रही है ऊपर से आने वाली पोलर विंड और नीचे से उठने वाली विंड दोनों जब यहाँ पे मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, वेस्टर्न लीज यानी पछुआ पौने, और आपको पता है कि मौसम में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आंधी पानी तूफान झंझावत, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है 35 से 60 के बीच में, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे गरजती 40 सा, चीखती 60 सा, 50 सा, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो ये कहाँ होता है, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड मास ज़्यादा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडी ज़्यादा है। अच्छा, जब उत्तरी गोलार्ध में जो वेदरिंग कंडीशंस होती हैं उसकी अपेक्षा सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडी अधिक है, तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो दोनों तरफ होती हैं लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में बना रहता है। फिर ऊपर आपका पोलर जोन है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जितना भी कंडीशन है वो सब पोल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए ऊपर से आने वाली ठंडी हवा है, तो यानी क्योंकि जो ये यहाँ पर हाई प्रेशर है ये ध्यान रखिएगा, ये जो बेल्ट है वो हाई प्रेशर बेल्ट है ठीक।
ठीक, तो यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से जो भी हवा आएगी वो ठंडी हवा होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दो मेजर जो पार्ट्स हैं, क्योंकि आने वाली जो हवाएं हैं, जब हवा का मिस जहाँ पर हवा का मिलन होगा, यानी कि जो जो यहाँ से हवा आ रही है, जो ऊपर से यहाँ से जो विंड आ रही है, ये हवा जब इस हवा के साथ मिलती है तो यहाँ पे वेस्टर्न लीज क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से वेदरिंग कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारी प्रेशर बेल्ट है वो प्रेशर बेल्ट कैसे काम करती है, क्योंकि मुझे आज सिर्फ इतना ही बताना है। इसके आगे फिर हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में फिर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।